हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें असिस्टेंट कमांडो के पदों पर भर्ती होनी है। जो बैच नंबर है दोस्तों वो 02/2019 है। तो इसकी जो आवेदन करने की जो डेट है उसके बारे में आपको बताएंगे, कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो डिपार्टमेंट नेम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड है, आर्म फोर्स ऑफ द यूनिटी। बैच नंबर जैसे मैंने आपको बताया 02/2019 है। स्टार्टिंग डेट जो है इसमें आवेदन करने की वो 18 नवंबर 2018 है और इसमें जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2018। तो 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप इसमें कभी भी आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो उसका जारी होगा दोस्तों वो दिसंबर में होगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन जो है उसमें आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करनी होगी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट इन जनरल ड्यूटी मेल ओनली, और जनरल ड्यूटी पायलट मेल ओनली, और कमर्शियल पायलट लाइसेंसी SSA ब्रांच बोथ मेल एंड फीमेल। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है इसमें होनी चाहिए इस आवेदन को पढ़ने के लिए, वो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, एक सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर ऑफ BE/BTECH कोर्स, और फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स Whenever applicable may apply ICG Assistant Commandant Recruitment जो है। The applying applicants should have subjects of mathematics and physics up to 10+2 of 10+2+3 semester. They should have 60% aggregate in mathematics and physics. इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1994 से और 30 जून 1998 के बीच की होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए। और दोस्तों जो कमर्शियल पायलट जो वैकेंसी पोस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपके पास अप्लाइंग एप्लीकेंट्स शुड हैव ए करंट एंड वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL इशूड वैलिडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA. They should have passed 12th with physics and math plus 60% marks in aggregate. Required जो उसमें आपकी एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1994 से 30 जून 1998 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर मिनिमम और रिक्वायर्ड इन हाइट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर हाईली एरिया एंड ट्रिबल एरिया विल बी एज पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। असिस्टेंट कमांडेंट पायलट की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर और लेग लेंथ जो आपकी होनी चाहिए मिनिमम 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही वेट की हम बात करें तो उसमें प्रोपोर्शनल टू द हाइट एंड एज इट इज प्लस 10% एक्सेप्टेबल। चेस्ट जो आपकी होनी चाहिए एक्सेप्शन जो होना चाहिए एक्सपेंशन वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें आई साइन की, वो आई साइट जो आपकी होनी चाहिए 6/6, 6/9, ये सब यहाँ 6/6, 6/6 आपकी होनी चाहिए। तो बाकी बात करते हैं इसका जो सैलरी आपको पैकेज दिया जाएगा वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल जो 10 है उसकी सैलरी जो है वो 56,100। ऐसे ही डिप्टी कमांडेंट इसमें लेवल 11 की उसमें सैलरी दी जाएगी जो कि 67,700 और कमांडेंट की जो पोस्ट है उसकी 68,800 रुपये। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की जो पोस्ट है उसकी 1,31,100 रहेगी। और यहां से जो सैलरी है दोस्तों मैं आगे आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देते हैं। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन
offers a challenging career to youth and dynamic Indian male and female candidate for various branches as an assistant commandant, group A, gazetted officer, and invite online application. Branch and eligibility sab jo maine aapko batayi wo sab yahan par di hui hai dosto post ke according. उसके बाद आप नीचे चलेंगे, यहाँ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं. हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है. ऑनलाइन आपको 18 से लेकर 30 नवंबर तक का है, जिसमें आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं. कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब इसमें से आप देख सकते हैं. इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है दोस्तों आप देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पर आपको जाना है. और आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 02-2019 बैच ये लिया हुआ है, जो कि मैंने आपको भी नोटिफिकेशन दिखाया है. तो उस पर लिंक पे क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसका जो लिंक है दोस्तों वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप यहाँ पर आके अपना जो आवेदन है और जो ये नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं. अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों वो जल्दी ही आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है जहाँ आप इनका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको उसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है कैसे आपको अप्लाई करना है. तो दोस्तों जैसे इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं. तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों.